शब ए बारात मुसलमानों के त्योहारों में से एक बड़ा आला दर्जे का त्यौहार है। मुसलमानों की ऐसी धारणा है कि अगर इंसान शब ए बारात की रात सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करते हुए अपने गुनाहों से तोबा की जाए तो अल्लाह उसके हर गुनाह को माफ़ कर देता है। ये पर्व शाबान महीने की 14वीं तारीख को सूर्यास्त के बाद शुरू होकर 15वीं तारीख की शाम तक मनाई जाती है। इस्लामिक मान्यताओं में भरोसा रखने वालों का ऐसा मानना है कि अगर इस रात सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत की जाए और अपने गुनाहों से तोबा की जाए तो अल्लाह इंसान को हर गुनाह से बरी करता है या मगफिरत कर देता है। शब ए बारात की रात दुनिया से विदा हो चुके लोगों की कब्रों पर जाकर उनके हक में मगफिरत की दुआ की जाती है। मान्यताओं अनुसार इस रात को पाप और पुण्य के फैसले होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अल्लाह अपने बंदों के कर्मों का लेखा जोखा करता है और कई सारे लोगों को नरक यानी दोजख जहन्नम से आजाद भी कर देता है। इसी वजह से मुस्लिम लोग इस पर्व वाले दिन रात भर जागकर अल्लाह की इबादत करते हैं। इस्लामिक मान्यताओं अनुसार इस रात को अगर सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करते हुए अपने गुनाहों से तोबा की जाए तो अल्लाह इंसान के हर गुनाह को माफ़ कर देता है। इस दिन गरीबों में इमदाद दान करने की परंपरा है। इस दिन मुस्लिम लोग मस्जिदों में और कब्रिस्तानों में इबादत के लिए जाते हैं। लोग पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हुए बिताते हैं। इस दिन लोग नमाज पढ़ने के साथ अल्लाह से अपने पिछले साल हुए गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। कसरावत में भी इस त्यौहार को लेकर सभी मस्जिदों में रोशनी कर रात भर विशेष नमाज अदा की गई। साथ ही लोगों ने कब्रिस्तान जाकर अपने मरहूम के लिए दुआएँ मांगी। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। आज शबे बारात की रात है, इसमें इसकी क्या फजीलत है, इसमें क्या क्या किया जाता है, कैसे मनाया जाता है? शबे बारात की जो रात है ये बरकत वाली रात है। ऐसी रात है कि जब कोई भी मोमिन ईमान वाला शख्स जब इसमें नवाफिल पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको गुनाहों से साफ और पाक कर देता है। और ख़ास तौर पे जब हम नवाफिल पढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम हमारे देश के लिए दुआ करते हैं और देश के अलावा हमारे देश में जो बीमारियां चल रही हैं उसके लिए दुआ करते हैं, हमारे परिवार वालों के लिए, बच्चों के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आहोजारी करते हैं कि अल्लाह दुनिया में जब हम परेशान हैं तो परेशानी से हमें निजात कर और अच्छी ज़िंदगी बसर कर, बस इस चीज़ की दुआ करते हैं। इसीलिए आज रात हम जगे हैं और जग कर रात में इबादत कर रहे हैं। इस महीने में पूरे साल का हिसाब व किताब भी होता है? जी, इस महीने में 14वीं शब जैसे ही गुजरती है और 15वीं शब जब आती है तो जो पुराने दफ्तर हैं वो बंद हो जाते हैं, नए दफ्तर चालू होते हैं, जिसमें नए दफ्तर में किसकी मौत साल में आने वाली है, किसका इंतकाल होने वाला है, किसकी जिंदगी देनी है, ये सारी चीज़ों का हिसाब चला जाता है कलेक्टर, और वो पूरा दफ्तर फरिश्तों के हाथों में रहता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।